तो गाइस चलिए चाय बनाते हैं थोड़ी सी। पानी में हम 2 चम्मच लिप्टन चाय की पत्ती डालेंगे। आपको बताता हूँ कि चिकन को मैरिनेट कैसे करते हैं और उसके बाद फ्राई कैसे करेंगे हम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। चलिए हम थोड़ा सा बाहर का मौसम देखते हैं। वैसे रात को तो स्नोफॉल रुक गया था, अभी देखते हैं बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। बाहर धूप हो रही है, तो गाइस बाहर धूप हो रही है अभी। आज बोधो के पहाड़ों पर कितना स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ पे भी स्नोफॉल हुआ था मगर यहाँ पे उतना हुआ नहीं। थोड़ा सा धूप में जाते हैं हम। 6-7 दिन से यहाँ पे धूप नहीं निकली थी, आज धूप 6-7 दिन के बाद निकली है। थोड़ा सा मैं ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ, पहाड़ियों का व्यू कैसा आएगा अभी, और मैं भी धूप का थोड़ा सा एंजॉयमेंट लूँगा अभी। तो ये देखिए गाइस, काफ़ी मस्त धूप हो रही है अभी। वो देखिए पहाड़ियों पे स्नोफॉल कितना हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। वो देखिए वहाँ सामने पहाड़ियों में कितना स्नोफॉल हुआ है। तो गाइस मैं रूम में बैठता हूँ धूप में, क्योंकि अगर मैं बाहर धूप में बैठा तो बाहर काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि माउंटेंस पे स्नो हुआ है तो ठंडी हवा चल रही है, तो फिर फ़ायदा नहीं कुछ भी धूप में बैठने का बाहर। इसलिए मैं रूम में बैठता हूँ जिस रूम में धूप कंटिन्यूस आती है, तो मैं उसी रूम में बैठूँगा अभी धूप में। ये देखिए मैं आ चुका हूँ इस रूम में, यहीं पर बैठूँगा मैं धूप में, थोड़ा सा स्टडी भी कर लूँगा, क्योंकि पापा कहते हैं स्टडी करता नहीं है, क्योंकि स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है, व्लॉगिंग के साथ साथ स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहीं पर धूप में बैठूँगा और यहीं पर स्टडी करूँगा। तो गाइस इस रूम में परफेक्ट धूप आती है एज़ कम्पेयर टू बाकी रूम्स, क्योंकि ये पूरा बंद है और सामने से जो मिरर भी लगे हैं वो ट्रांसपेरेंट मिरर लगे हैं और इसलिए धूप डायरेक्ट अंदर आती है। चलिए मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। ये देखिए इधर डायरेक्ट धूप आती है अंदर, इसलिए मैं इस रूम में थोड़ा सा धूप का भी मज़ा लेते हैं और स्टडी भी थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। मेरी स्टडी थोड़ी सी हो चुकी है, अभी 1 बज रहा है टाइम, तो अभी जाते हैं थोड़ा सा किचन में, देखते हैं खाने में क्या बना होगा अभी। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा किचन में जाते हैं। छः 7 दिन के बाद आज धूप निकली है, काफ़ी ठंड थी, आज थोड़ी सी राहत मिल रही है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी किचन में, लंच करने आया था मैं तो, मगर मेरा मन बन रहा है कुछ चाय बनाने का, तो मैं थोड़ी सी चाय बना लेता हूँ। वैसे मैं थोड़ी बहुत कुकिंग भी कर लेता हूँ। तो गाइस चलिए चाय बनाते हैं थोड़ी सी, मैं आपको दिखाता हूँ कि चाय कैसे बनाते हैं। अगर आप में किसी को चाय बनानी नहीं आती होगी तो मैं इस वीडियो में सब बता दूंगा कि कैसे चाय बनती है लिप्टन चाय। देखिए चाय बनाने के लिए थोड़ा सा पानी पहले डाल दिया है, पानी में हम 2 चम्मच लिप्टन चाय की पत्ती डालेंगे। ये देखिए 2 से 3 चम्मच इसमें पत्ती डाल दी है, थोड़ा सा बॉईल करेंगे इसको 2 से 3 मिनट तक, उसके बाद दूध डालेंगे हम, उसके बाद चीनी भी डालेंगे। तो गाइस 2 से 3 मिनट हम थोड़ा सा पानी में जो पत्ती डाली है उसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे, ताकि थोड़ा सा कड़क चाय बने, क्योंकि मैं तो हमेशा कड़क चाय पीता हूँ। तो गाइस जब चाय थोड़ी सी बॉईल हो जाए तो उसमें 2 चम्मच चीनी डाल देनी है। देखिए मैं 2 चम्मच इसमें चीनी डाल दूंगा, फिर थोड़ा सा और बॉईल होने देना है, उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे, उसके बाद हमारी चाय रेडी हो जाएगी। तो गाइस ये देखिए चाय थोड़ी सी बॉईल हो चुकी है, अब हम इसमें दूध डालेंगे। मैंने 1 कप दूध डाला है इसमें, क्योंकि मैंने 2 कप
चाय बनानी है, अगर आपने एक कप चाय बनानी हो तो आधा कप दूध इसमें डाल दें, फिर थोड़ा सा बॉयल होने देना है इसको, उसके बाद हमारी चाय तैयार हो जाएगी। तो गाइस हमारी चाय रेडी हो चुकी है, अब हम थोड़ी सी चाय पी। गाइस चाय पी ली है मैंने, और मैंने आपको अपने व्लॉग में चाय बनाना भी सिखा लिया है कि कैसे चाय बनाते हैं। अब थोड़ा सा बैठते हैं हम धूप में। ये देखिए फिर से बादल छा रहे हैं आसमान पर। तो गाइस मुझे अंदर वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि बाहर थोड़ी हल्की सी धूप है और ठंड भी बहुत है, इससे अच्छा है कि अंदर ही बैठते हैं क्योंकि अंदर थोड़ी सी ठंड कम है। तो गाइस आज थोड़ा सा कुकिंग कर लेते हैं, चाय तो बना ली मैंने, वो तो आपने देख ही लिया। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि चिकन को मैरिनेट कैसे करते हैं और उसके बाद फ्राई कैसे करेंगे हम। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि वो कैसे क्या करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। चलिए आज का व्लॉग तो हम कुकिंग पे ही बनाएंगे अच्छे से। चलते हैं हम थोड़ा सा किचन में, वहाँ पे हम थोड़ा सा चिकन को मैरिनेट करेंगे और उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो गाइज ये देखिए हम आज थोड़ा सा चिकन फ्राई करते हैं। चिकन को फ्राई करने से पहले हम इसको थोड़ा सा कट मारते हैं बीच में। कट मारने से क्या होता है कि चिकन अच्छे से फ्राई होता है। फिर मैरिनेट करेंगे हम इसको। मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको बोलूँगा कि कैसे इसको मैरिनेट करना पड़ेगा, कौन कौन सा मसाला लगता है इसमें। देखिए हमने चिकन को कट दे दिया है, ऐसा कट देना पड़ता है जो अगर अच्छे से फ्राई करना होता है चिकन को। अब थोड़ा सा हम इसमें मसाला मिलाएंगे। ये चिकन मसाला है, गरम मसाला है, चाट मसाला है। ये देखिए मैंने इस प्लेट में पूरा मसाला रखा है कि इस मसाला कौन कौन सा हम चिकन में मिक्स करेंगे। ये नमक है, ये हल्दी है, ये मिर्च पाउडर है, ये धनिया है, ये अजवाइन है, ये ज़ीरा है, और ये मीट मसाला है। हम सब मसालों को मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे और थोड़ा सा मैरिनेट करने के लिए रखेंगे हम एक घंटे तक, और एक घंटे के बाद हम चिकन को फ्राई करेंगे। तो गाइज मैंने सारे मसाले मिक्स करके इसमें डाल दिए हैं, ये देखिए। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हम ये देखिए हम इसमें थोड़ा सा दही डाल देंगे। अब इसमें दही भी डालना इम्पोर्टेंट है क्योंकि दही से ही टेस्ट आता है इसका। हम 3-4 चम्मच इसमें दही डाल देंगे और दही से ये चिकन सॉफ्ट होता है और अच्छे से क्रंची टाइप बनता है ये। और ये देखिए हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको एक घंटे तक ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद इसका मज़ा बहुत आएगा खाने में। तो गाइज ये नींबू है, ये लास्ट वाला स्टेप है। इसमें हम लेमन भी ऐड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इससे खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है चिकन में। तो गाइज हमने इसको मिक्स अच्छे से कर दिया है, अब हम थोड़ा सा इसको कवर करेंगे। तो गाइज ये देखिए हमने इसको अच्छे से कवर किया है, अब हम इसको फ्रीज़र में डालेंगे। फ्रीज़र में डालने से क्या होता है कि अच्छे से मैरिनेट होता है ये। तो ये देखिए गाइज चिकन पूरा मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो गाइस अभी चिकन पूरा फ्राई होगा। तो गाइस ये देखिए फाइनली चिकन फ्राई हो चुका है, अब हम इसको खाएंगे। तो गाइज आपने देख ही लिया होगा कि आज मैंने थोड़ी सी चाय भी बना ली और थोड़ा सा चिकन भी फ्राई किया है। कैसे मैं कुकिंग करता हूँ वो भी मैंने आपको दिखा दिया है इस व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हैं मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में,
पूरे व्लॉग्स दिए हैं, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस का एंजॉय कर सकें। मैंने स्नोफॉल का भी व्लॉग डाला है, मेरे 3 व्लॉग्स हैं स्नोफॉल के। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे पूरे व्लॉग्स दिए हैं, आप सब व्लॉग्स आराम से देख सकते हैं। ऐसे ही प्यार करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।